बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया जी, दोस्तों वगैरह से, बहनों वगैरह से मुलाकात वगैरह नहीं हो सकी। तो आज हम निकले हैं, शाम का टाइम था तो ड्यूटी वगैरह भी चेंज हुई है, तो मैंने कहा चलें आपको एक दोस्त के पास लेकर चलते हैं। तो उसकी जी हवेली है जी, काफ़ी खूबसूरत है जी, बहुत जो है पौधे वगैरह लगाए हुए हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त है। और साथ में उसने बड़े परिंदे वगैरह, मुर्गे वगैरह बड़ी नस्ल की रखी हुई है, कुत्ते बड़े ज़बरदस्त रखे हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं जी, और इनकी चीज़ें भी सारी दिखाते हैं। अभी वो खाना वाना डाल रहे हैं तो दिखाते हैं सारा। ये देखें जी माशाल्लाह, इसके लान में सबसे पहले जो है अंगूरों की वेल लगी हुई है सारी, तो काफ़ी ज़बरदस्त है जी। अंगूर भी काफ़ी तादाद में इनके पास होते हैं, ये देख लें माशाल्लाह। और साथ साथ आपको इनके लान का भी विज़िट करवाते हैं। ये रेड ब्लड लगे हुए हैं जी सारे। और ये जो है लीची का दरख्त है, काफ़ी महंगा फल है जी। तो ये आगे ये देखें, ये भाई भी घूम रहे हैं, इनसे पूछते हैं। ये रेड ब्लड है, और साथ साथ जो है आपको इनके ये लॉन की भी सैर करवाते हैं। काफ़ी खूबसूरत है जी, इधर लोग काफ़ी आते हैं और इनके पास जो है अपने खाने पीने के प्रोग्राम भी रखते हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त जगह है जी। ये देखें जी, इसके पास माशाल्लाह ये रात की रानी का जो है वो भी फूल लगा हुआ है। और ये जंगली खबाड़ा है जी, जिसको अंजीर भी कहते हैं। और साथ साथ ये देखें जी माशाल्लाह, ये इन्होंने पिंजरा वगैरह बनाया हुआ है, जहाँ पे पीछे जो है परिंदे मुर्गे वगैरह इन्होंने रखी हुई हैं। और जो काफ़ी ज़बरदस्त है जी, ये आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। देखें जी बाग कितना प्यारा इन्होंने रखा हुआ है, इसके लिए खास माली इन्होंने रखा हुआ है। और ये आगे ये देखें जी, काफ़ी किस्म के, ये देखें रेड ब्लड एक और लगा हुआ है। और ये देखें जी माशाल्लाह से काफ़ी जो है गुलाब के फूल जो है अलग अलग नस्ल के हैं जी, वो भी लगाए हुए हैं। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जो है इन्होंने सेटअप रखा हुआ है जी, काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये माल्टे वगैरह भी लगे हुए हैं ये जी, ये माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया जी। इनसे ये देखें वीडियो बना रहे हैं, और साथ में ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त है जी। काफ़ी जो है इन्होंने जो चीज़ें वगैरह लगाई हुई हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त है। वो पीछे नींबू का पौधा भी लगा हुआ, और ये फिर रेड ब्लड आ गया। तो ये देखें जी काफ़ी खूबसूरत है। उनको आपको सारा ज़रा दिखाते हैं, पूरा लान दिखाते हैं माशाल्लाह। देखें जी काफ़ी ज़बरदस्त जो है रखा हुआ सजा के, और काफ़ी बेहतरीन है जी। देख लें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, वो गैराज बना हुआ है, कमरा भी है। और ये जी लान वगैरह, और काफ़ी ज़बरदस्त ये जी इनके मालिक हैं, दोस्त भी है मेरा। तो ये ज़बरदस्त हो गया जी। इनके मुर्गे वगैरह, परिंदे भी हैं, कुत्ते भी हैं, आपको दिखाते हैं जी। वो भी काफ़ी जो है ना खूबसूरत इन्होंने रखे हुए हैं, और काफ़ी महंगे रखे हुए हैं। तो ये इन्होंने शौक से जो है कुत्ते भी दो रखे हुए हैं, छोटे छोटे पप्पी हैं, वो भी दिखाते हैं। इनका बड़ा शौक है जी, आपको वो भी दिखाते हैं इनके जो पप्पी वगैरह हैं। तो ये मेरे साथ आ रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कैसे हैं, किधर से लाए हैं, और कितनी कीमत है इनकी। देखें जी माशाल्लाह कितने खूबसूरत है, इन्होंने दो वाइट कलर के जो पप्पी रखे हुए हैं, ये देख लें जी। ये माशाल्लाह दोनों बांधे, अभी इनको खाना वगैरह दिया। अच्छा भाई जान, ये आप किधर से लेकर आए? ये मेरे दोस्त भी हैं, रफ इनाम है इनका, और ये मंडी भी इनकी अपनी अटक की। तो ये इनके वैली है, और ये उन्होंने पपी बड़े प्यार रखे हुए हैं, तो इनका रेट भी पूछते हैं कहाँ से लेकर आए हैं। तो इनके जो है आपको मुर्गे वगैरह भी दिखाते हैं, बड़ी इन्होंने जो है वो अच्छी नस्ल रखी हुई है, तो वो भी आपको दिखाते हैं, पूछते हैं इसे क्यों जी बताएं। जी फैसल भाई, बस एक दोस्त है भाइयों की तरफ से, फीमेल मैं लेके आया था, तो मेट मतलब अपने पास कराई है ना, तो भीड़ अपने पास मैंने कराई है, तो मतलब ये प्यार बच्चे को आ गया था, तो अपने पास रखी रखे हैं, तो अभी ये मतलब अडल्ट हो गया एक तरह से, 7-7 महीने के, दोनों 7 महीने के हो गए। अभी वो ये जिसने एक और सेट किए हुए, तो बस अभी ये सर्दियाँ आ रही है, गर्मी वजह से बाल अपने गड़ा देते हैं ना, ये जो डॉग्स वगैरह रखते हैं उनको मुंहन पता है, क्योंकि नहीं हमें तो इस बात पर में कि हमने नहीं रखे, हम इस फील्ड में आ चुके हैं, हमें पता चल गया, जो इस फील्ड में उनको पता है। तो इनकी कीमत वगैरह क्या है जी, बता सकते हैं आप? ये कीमत का जी आइडिया कोई भी नहीं, क्योंकि आज तक कभी मैंने डॉग पैसों का लिया नहीं है, ना पैसों को कभी किसी को दिया है, जिसका इल नहीं है, जो सीधी जो बात है, लोग करते हैं शॉप्स वगैरह, मुख्तलिफ कोई प्राइस होती है, किसी क्या तो किसी क्या, हमें इसका ऐसी भी बात नहीं है कभी, क्योंकि कभी पैसे का लिया नहीं है, कभी आपको मतलब किसी ने गिफ्ट भेजा है? ये गिफ्ट फीमेल लेके आया, तो अपने पास मैंने इनको, माशाल्लाह जी इनको ये गिफ्ट मिला है, तो काफी खूबसूरत है। तो इनके मुर्गे भी आपको दिखाते हैं, लेकिन वो जंगला लगा हुआ है, तो ये आपको दिखा सकते हैं, नजर तो इस टाइम ही आएगा, अंदर जाके दिखाते हैं। अच्छा जी आपको ये दिखाते हैं, अभी इनके पास माशाल्लाह काफी एंटीक किस्म की मुर्गे हैं जी। तो ये मुर्गी भी भाग रही है जी, हमें देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफ़ी प्यारा इनका कलर है जी, आपको दिखाते हैं जहाँ के, लेकिन ये रुक ही रही जी, भाग रही है आगे आगे। तो मेरा कैमरा मैन आपको आगे से जाके दिखाता है जी, अगर नज़र आती है तो।
जी अब अल्लाह हाफिज बोलते हैं सारे व्यूवर्स को, इनसे काफी गपशप भी लगी है जी, काफी मजा आया है। तो ये कह रहे हैं कि हमारा एक सात कनाल का एक और विला है, हवेली है, जहाँ पे इन्होंने माशाल्लाह काफी तादाद में चीजें रखी हुई हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इसी महीने के अंदर लाजमी जाएंगे और जाके दिखाएंगे आपको। इनके पास काफी जो एंटीक चीजें वहाँ पर पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर इतनी थोड़ी सी चीज़ें हैं लेकिन यह है कि वो काफ़ी हैं, बहुत अच्छी नस्ल रखी हुई है इन्होंने। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात उतरेगी, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।